मेरा सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि सियासी जमातों में से कौन सी जमात सही है और किसको वोट दें और किसको सपोर्ट करें। हमारी सियासी जमातों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके काम अच्छे हैं और कुछ जमातों के काम गलत हैं। बाकी सब जमातों को नज़रअंदाज करके जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई में से हम किसको वोट दें और जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, और इमरान खान को यहूदी कहा जा रहा है। अगर वो यहूदी हैं तो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी वो कौम को आगाह क्यों नहीं करते हैं? तो आप बताएं कि हम किसको वोट दें, क्या इमरान खान को हम सपोर्ट करें तो क्या इससे गुनाह होगा? भाई आपने तो लंबे चौड़े सवाल कर दिए हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें आपने पूछी हैं। देखें, मैं आपको एक उसूली बात बताता हूं, वो ये कि आप देखें किसी भी जमात के अंदर कौन सी भी पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीटीआई हो या पीपी हो, जितनी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये पार्टियां हैं, तो इन सब के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इनके अंदर कुछ अच्छे काम भी हैं और कुछ गलत काम भी हैं, क्योंकि सारे के सारे देखें ये इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है। अलबत्ता इतना कहा जा सकता है कि भाई फलां पार्टी के अंदर जो हैं वो खैर के काम, अच्छे काम का जो रेशो है इसमें ज़्यादा है, और फलां पार्टी के अंदर जो है वो अच्छे काम का जो रेशो है उसमें कम है, तो इतना तो कहा जा सकता है। मगर जो कदरे मुश्तरक चीज़ है कि हर पार्टी के अंदर कुछ कमी कोताहियाँ भी होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, इसलिए बाकी देखिए ना, ये जो कहा जाता है कि भाई सियासी शऊर, तो सियासी शऊर किसको कहा जाता है? सियासी शऊर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि भाई अपनी पार्टी का जो लीडर है उसकी हर बात को हम लब्बैक करें और उसको सपोर्ट करें चाहे सही हो या गलत हो। मैं समझता हूँ सियासी शऊर तो उस वक्त कहा जाएगा जब अपनी पार्टी के खिलाफ जो लीडर है उस लीडर की सही बात को हम वेल्डन कहें कि भाई वेल्डन, हम आपकी इस सही काम को अप्रिशिएट करते हैं और आपको लाइक करते हैं, आपको इस बात के अंदर सपोर्ट करते हैं कि आपने ये काम अच्छा किया है, तो उस वक्त हम समझेंगे कि हाँ भाई कि हमारे अंदर जो है वो सियासी शऊर आ चुका है, और अपनी पार्टी के लीडर की अगर गलत बात है तो हम उसको सामने कह दें कि भाई हमारे लीडर ने यह काम गलत किया है, उस वक्त कहा जाएगा कि भाई सियासी शऊर हमारे मुल्क के अंदर आ चुका है, वगरना इसको सियासी शऊर नहीं कहा जाएगा। बाकी ये बात कि हम आप जो हैं वोट किसको दें, वो आप खुद देखें कि भाई किसको हम वोट दें जिससे हमारे मुल्क का, हमारे इस्लाम का फायदा हो, जो इस्लाम की खिदमत करें, जो हमारे मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के हमारे लोगों के, मुल्क के बाशिंदों की खिदमत करें। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका दिल मुतमिन कहाँ पर होता है, आप उसको जो है सपोर्ट करें। लेकिन इसमें एक बात का आप जो है ख्याल रखें कि आपके इस वोट देने से आया ये ख्याल करें कि इससे हम जो हैं अपने रिवायात पर और अपने जो हैं हया पर, अपने कल्चर पर, अपने मुल्क और इस्लाम पर तो किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ये ख्याल रखें उसके अंदर कि हरगिज़ हमें अपने हया पर, अपने कल्चर पर, अपनी रिवायात पर, इस्लामी रिवायात पर, अपने मुल्क पर जो हम किसी के साथ कंप्रोमाइज न करें कि हमारा, हमारे मुल्क का नुकसान हो जाए, हम अपने लीडर को खुश करने के चक्कर में हों और हमारे मुल्क का नुकसान हो जाए और हमारी रिवायात का नुकसान हो और हमारी कौम का नुकसान हो, इसका आप लिहाज रखें। और अलावा इसके एक ये जो है कल्चर चल पड़ा है हमारे अंदर कि हम लोग एक दूसरे को, एक पार्टी के जो समझा के सपोर्टर हैं और वोटर हैं वो दूसरी पार्टी के लीडर को, गालम गलूच का एक सिलसिला और न खत्म होने वाला एक सिलसिला चल पड़ा है कि आया एक पार्टी जो है वो दूसरे के बारे में, उसके लीडर के बारे में डीजल कहती है, और इसी तरह इस पार्टी के समझा वो दूसरे को यहूदी कहते हैं,
तो इस गालम गलूच, इस मसले ने और इन चीजों ने हमारे कौम को कितना फायदा दिया है। आपने ये सोचा, ये अंदाजा लगाया कि भाई अगर ये चीजें हम गालम गलूच और ये अलकाब और ये चीजें एक दूसरे को अगर हम दे रहे हैं तो इससे हमारी कौम का कितना फायदा हुआ है। उससे अच्छा नहीं था कि हम अपने इस इस्तेदाद को, अपने टाइम को किसी तालीमी काम के अंदर लगाते, किसी कारोबार में, किसी तिजारत मईशत के अंदर लगाते तो हम कितना कमाते और कितना हम फायदा जो है वो हासिल कर लेते, लेकिन वो फायदा हमने हासिल नहीं किया। अच्छा, अलावा इसके एक बात आप ज़हन में रखें कि तीन चीजें तो ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा आसान हैं और हर बंदा उसके अंदर जो है बड़ा होशियार है। तीन चीजें ऐसी हैं, उनमें से एक फतवा लगाना किसी के ऊपर, और एक जो है सियासत, और एक हिकमत। आप देखें हर एक जो है अपना मुफ्ती लगा पड़ा है, वो इस पर फतवा लगा रहा है और ये इस पर फतवा लगा रहा है, और हिकमत इसी तरह सियासत। आप अगर रेडी वाले को देखें ना और उसे आप बातें पूछें तो सियासत की आपको ऐसी बेहतरीन बातें आपको बताएगा कि आप कहेंगे कि यार वजीर आजम तो इसको होना चाहिए कि रेडी में अपनी क्यों चला रहा है और फ्लूट क्यों चला रहा है, और चीफ आर्मी की बातें आपको सुनाएगा, इतनी इतनी बड़ी बड़ी आपको बातें बताएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार रेडी वाले को भी सियासत के अंदर जो है वो कितना मजा आ रहा है और कितनी मालूमात इसने रखी है। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये गालम गलूच का सिलसिला, देखें क्यामत के दिन ये भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप जो जबान से कहते हैं ये सारा कुछ लिखा जा रहा है। और हदीस पाक में आया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल यकुबुन नास फिन नार अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, कि क्यामत के दिन लोगों को मुंह के बल जो है जहन्नम के अंदर डाला जाएगा उनके इस अमल की वजह से, जो जबान की उनकी कटाई है, जो जबान की खेती है, जो जबान से कहते थे उसकी वजह से उनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। हवादिस से हमारी जान छूट गई, आपकी मर्जी है, आप गलम गलूच करें, करने की किसी भी पार्टी के लीडर को, छोटे को, बड़े को, किसी को अगर गालियां देते तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप इसको खुद जो है इस अमल की जस्टिफिकेशन आप खुद करेंगे, अल्लाह के सामने आप खुद जो है जवाबदेह होंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप जो है अपने इस अमल से, अपने रवैये से, जिसको आप सही समझते हैं उसको आप वोट करें, जो इस्लाम की, जो मुल्क की खिदमत करे और सही इस्तेमाल करे और आवाम को, पब्लिक को रिलीफ दे, आप उसको सपोर्ट करें। तो